4 जून की शाम को शहजादे भी साधना करने जाएंगे, गुफा की तलाश जारी है। ये शब्द हैं कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के। 7वें चरण के चुनाव खत्म होने के बाद सभी एग्जिट पोल में एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया है और इस पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। वहीं हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एग्जिट पोल पर अपनी बात रखी है। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इससे पहले विपक्ष पर हमला किया था, जब इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी की साधना पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, ये लोग प्रधानमंत्री की साधना का भी मजाक बनाते हैं। आपको एक चीज समझना होगा कि सत्ता ना ही आ रही है और ना ही जा रही है, सत्ता जहां है वही है, सत्ता जिन हाथों में है लोग उसे वही महसूस कर रहे हैं। देश की जनता ये महसूस कर रही है कि ये देश नरेंद्र मोदी के हाथों में मजबूत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव प्रचार थमा, प्रधानमंत्री आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने के लिए कन्याकुमारी ध्यान करने पहुंचे, ताकि वो असुरी शक्तियों का विनाश कर सके। लेकिन अफसोस, इस पर विपक्षी राजनीति करने से बाज नहीं आए। अगर देखा जाए तो ये सब कुछ सामान्य घटनाएं हैं। इसलिए मैं हमेशा ही कहता रहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ईश्वर की कोई असीम कृपा है। तो वहीं अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर नया दावा किया है। उनका ये पोस्ट तमाम न्यूज चैनल के एग्जिट पोल के रिजल्ट पर आया है। उन्होंने लिखा, 4 जून की शाम को शहजादे भी साधना करने जाएंगे, गुफा की तलाश जारी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग एंटी नेशन और एंटी रिलीजन है, इसलिए जनता इन्हें स्वीकार नहीं कर रही है।